पर बहुत खुशी का माहौल है और ये खुशी का माहौल हमारे सम्माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी का जन्मदिन है, उसके कारण सबके मन में खुशियाँ दौड़ रही। और आज आप लोगों ने देखा होगा कि कल गुजरात के अंदर तो जिस तरह से लाइटिंग से पूरा गुजरात जगमगा रहा था, और वो एक क्योंकि नेटिव प्लेस होने के कारण भी है, लेकिन पूरे देश के अंदर हर नागरिक के मन के अंदर खुशियाँ हैं। और आज भारतीय जनता पार्टी उनके जन्मदिन को लेकर के सेवा सप्ताह के रूप में 14 तारीख से 20 तारीख जो कार्यक्रम कर रही हैं, उसका आज चौथा दिन है। 3 दिन हमने अलग अलग कार्यक्रम किए और आज जो सफाई अभियान प्रारंभ किया, जहाँ जिस प्रांगण में हम खड़े हैं यहाँ पे हमने सफाई की है, और जहाँ हमारे साथ हम देख रहे हैं कि महात्मा गांधी का जो एक कैंपस के रूप में जो स्टेचू लगा हुआ है उसके अंदर भी हमने सफाई की। ये सब प्रतीकात्मक है लोगों के मन के अंदर भाव जागृत करने के लिए कि हर व्यक्ति के अंदर ये भाव जागृत होना चाहिए कि हमारा फर्ज है, हमारा कर्तव्य है कि हमारे शहर को जिस तरह से हमारे घर को साफ रखते हैं हमारे शहर को साफ रखें, और अगर हमारा शहर स्वच्छ रहेगा तो हमारा शहर स्वस्थ भी रहेगा, और स्वस्थ रहेगा तो अच्छे विचार दिमाग में आएंगे और सबके मन में हमारे देश के प्रति कुछ न कुछ करने की मन में ठान ले। तो आज जो ये कार्यक्रम चल रहे हैं, इन कार्यक्रम के माध्यम से हम हर व्यक्ति को यह संदेश देना चाहते हैं कि अपने फर्ज अपने कर्तव्य को समझें और कर्तव्य का निर्वाह करते हुए देश को आगे बढ़ाने में देश की प्रगति के अंदर वो स्वयं भी भागीदार बने। बंधुओं, आज जो पूरे देश के अंदर जो स्थिति, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने केवल ये कहा था कि हम केवल शासन करने के लिए नहीं, लेकिन शासन के माध्यम से ऐसी जनकल्याणकारी योजनाएं ला करके अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्ति को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं, उसके जीवन स्तर को भी ऊपर करना चाहते हैं। आज कहते हैं गरीबी रेखा के नीचे इतने लोग हैं, ये कब तक चलते रहेंगे, इनके जीवन को भी ऊपर उठाना है। तो इस तरह से माननीय मोदी जी की योजनाओं से पूरा देश प्रभावित हो रहा है और प्रभावित हुआ है, और आज हर व्यक्ति के मुँह से निकलता मोदी 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 तो ये अपने आप में एक चमत्कारी है। तो मैं आज सभी नागरिकों से भी आह्वान करूँगा कि आज अपने कर्तव्य को समझते हुए और जहाँ जिसको ठीक लगे ये सफाई अभियान के अंदर भी भाग ले, और आने वाले 3 दिनों के अंदर जो सफाई अभियान भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से चालू होंगे, जो अलग अलग कार्यक्रम चालू होंगे, उनके अंदर भी तन मन धन से वो सहभागी बन करके और इन कार्यक्रमों को सफल बनाएं। जय हिंद।